Hey guys, welcome to Academicia. My name is Om and today we'll discuss Asian Premium, a very important topic जो आजकल बहुत ज़्यादा ही न्यूज में छाया हुआ है. हम इस टॉपिक को फाइव पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, देखेंगे एशियन प्रीमियम है क्या, इसके रूट कॉजेज क्या हैं, कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ क्या हैं और काफ़ी रिलेटेड जो इससे प्रॉब्लम जो हम आजकल न्यूज़पेपर में हम पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे. बेसिकली यहाँ पे मैंने इस लेक्चर को फाइव पार्ट्स में डिवाइड किया है. ओपेक कंट्रीज़ क्या हैं, एशियन प्रीमियम क्या है, हिस्ट्री एशियन प्रीमियम कब एग्जिस्टेंस में आया, कंटेम्प्रेरी इश्यूज जिसकी वजह से आज इतने सारे इश्यूज अराइज हो रहे हैं और एशिया में और ओपेक कंट्रीज़ के बीच में बहुत सारे डिस्कशंस हो रहे हैं, न्यूमॉनिक्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली इस पूरे वीडियो लेक्चर का, कि ओपेक कंट्रीज़ को हम लोग कैसे याद रख सकते हैं, इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूपीएससी और बाकी सारे सर्विस जो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं. तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. पहले देखेंगे हम लोग ओपेक कंट्रीज़ ये हैं क्या. ये ओपेक कंट्रीज़ बेसिकली एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें 14 ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं जो कि पेट्रोलियम के जो भी रिलेटेड इश्यूज़ होती हैं, पॉलिसीज़ होती हैं, उनको डिस्कस करने के लिए ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है. 1960 में ये फॉर्म की गई थी बगदाद इराक में और इसके उस समय 5 सिग्नेटरीज थे. इसकी हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है और पहले इसकी हेडक्वार्टर थी जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में, जिसको शिफ्ट करके वियना ऑस्ट्रिया में कर दी गई थी. कुछ इस तरीके की आपको इसकी लोगो दिखाई देगी. यहाँ पे बेसिकली आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कितने इसके मेंबर्स हैं करेंटली. 1960 में हुआ था ये, आपको याद रखना है साइन. और इराक में बगदाद में इसकी साइनिंग की गई थी और फर्स्ट 5 मेंबर्स ने सिर्फ इसको साइन किया था. सेकंड टॉपिक देखते हैं, एशियन प्रीमियम क्या है. एशियन प्रीमियम बेसिकली एक एक्स्ट्रा चार्ज है जो कि ओपेक कंट्रीज कलेक्ट करती हैं एशियन कंट्रीज़ पे जब वो ऑयल या बाकी सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करती हैं एशियन कंट्रीज़ में कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज़. इसके एग्जांपल मैं आपको लेकर समझाता हूँ. कॉस्ट जैसे आप ले लो एक बैरल, वन बैरल, जैसे हमारे ऑयल जो होती है वो बैरल में उसकी काउंटिंग होती है, उसकी यूनिट बैरल है. और बैरल में सपोज करो एक बैरल प्रोडक्शन हुई और 100 रुपीज़ ओपेक कंट्रीज़ में इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट हुई. हम 100 रुपीज़ यहाँ पे इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको सब समझने में आसानी हो. और सपोज़ करो यहाँ पे ओपेक कंट्रीज़ ने 100 रुपीज़ इसमें वन बैरल को प्रोड्यूस करने में लगाया और फिर ये उसके बाद इस पर 100 रुपीज़ प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो टोटल सम अमाउंट हुआ 200. फिर उसमें आप 20 रुपीज़ ऐड एक्स्ट्रा कर दो, 20, 30, 40 जितना भी हो, वो टोटल अमाउंट हो जाएगा 220. और जो भी ये अमाउंट यहाँ पे आप ऐड करोगे जो प्रॉफिट के बाद 20, 30, 40 कुछ भी, तो इसको कहते हैं एशियन प्रीमियम जो कि एशियन कंट्रीज़ में भेजने के लिए बेसिकली लगाई जाती हैं. और इसके कंपैरिजन में आप वेस्टर्न कंट्रीज़ को देखोगे ये टोटल अमाउंट रुपीज़ 118 का होगा जब इनको ये सेंड करेंगे. बट ये जब एशियन कंट्रीज़ को सेंड करते हैं, जब एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये 20 रुपीज़ और समथिंग लाइक दैट ये वैसे कुछ चार्जेस लगाते हैं जिसकी वजह से इसकी अमाउंट वेस्टर्न कंट्रीज़ के कंपैरिजन में एशियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा हो जाती है और यही आज डिस्प्यूट का मैटर बन चुका है. हिस्ट्री देखते हैं इस एक्ट के बारे में कि ये कब आई थी, सॉरी ये प्रीमियम के बारे में. ये बेसिकली इसकी रूट एस्टैब्लिशमेंट है 1986 में जब मार्केट ओरिएंटेड क्रूड प्राइसिंग की गई थी. 1986 में सऊदी अरेबिया ने बेसिकली इसको इंट्रोड्यूस किया था अमंग ओपेक कंट्रीज़. ये बेसिकली क्रूड ऑयल फार्मूला मेथड है 1987 में जिसको इवॉल्व किया गया था और बेसिकली ये 3 रीजन्स के ऊपर डिपेंड करता है. इसको डिवाइड किया गया था बेसिकली यूएस, यूरोप एंड एशिया के बेसिस पे, जहाँ पे इनके हिस्ट्री, हिस्टोरिकल और इकोनॉमिक जो मार्केट इश्यूज हैं उसके रिस्पेक्ट में इनको आगे जज करना था और उसके हिसाब से इन पे चार्जेस या एशियन प्रीमियम जैसे यूएस और यूरोप में काफ़ी हद तक डेवलपमेंट हुई और वहाँ पे इन सब चीज़ों की ज़रूरत, जैसे क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी इन्होंने कम कर ली. यूरोप में ये लोग, यूरोपियंस रशिया से इंपोर्ट कर सकते थे क्योंकि रशिया ओपेक का मेंबर नहीं है. यूएस के पास खुद का बहुत सारा रिज़र्व है जैसे सेल गैस वगैरह, जिसको रिसेंटली यूएस ने सबके लिए ओपन भी किया था. और लेकिन एशिया में ऐसी इशूज़ बहुत ज़्यादा थी जिनकी वजह से एशिया के ऊपर एशियन प्रीमियम लगाने की फाइनल डिसीजन को इवॉल्व किया गया. कंटेम्प्ररी इश्यूज देखेंगे जो कि अभी काफ़ी, जिसकी वजह से ये न्यूज़ में है. यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि इंडिया चाइना के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है अमंग अदर एशियन कंट्रीज़ एशियन प्रीमियम के अगेंस्ट वॉइस रेज करने के लिए, जो कि
ओपेक कंट्रीज के थ्रू चार्ज की जाती है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन संजीव सिंह और चाइना के नेशनल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन सीएनपीसी के हेड, ये दोनों स्ट्रेटजी निकालेंगे जिसके थ्रू हम लोग ओपेक कंट्रीज से बेटर प्राइस ले सकें, ये क्रूड ऑयल वगैरह बेटर प्राइस में ले सकें। ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि इंडिया 86% क्रूड ऑयल, 75% नेचुरल गैस और 95% एलपीजी ओपेक कंट्रीज से इंपोर्ट करता है, और इतना सारा अमाउंट, इतना हैवी अमाउंट में हम लोग इंपोर्ट करते हैं कि जिसके ऊपर अगर थोड़ा सा भी एशियन प्रीमियम, मैंने आपको 100 रुपीज़ के एग्जाम्पल समझाया, हम लोग 86% इम्पोर्ट करते हैं तो सोचो हमारे इकॉनमी को कितना बड़ा लॉस झेलना पड़ता होगा इस छोटे से एशियन प्रीमियम की वजह से जो कि ओपेक कंट्रीज चार्ज करती हैं। लास्टली हम न्यूमोनिक्स देखेंगे, ओपेक कंट्रीज कौन कौन से हैं, इनको कैसे याद रखना चाहिए। आप बेसिकली इसमें यहाँ पे तीन पार्ट में मैंने इनको डिवाइड किया है। जब मैंने इनको याद किया था तब मैंने इनको तीन पार्ट में डिवाइड किया था। इसमें कई सारे मेंबर्स ऐड होते हैं और डिलीट भी होते हैं, जैसे इक्वेटोरियल गिनिया जो 2017 में इसका मेंबर बना है, और इंडोनेशिया जिसने सस्पेंड कर दिया इस मेंबरशिप 2016 में। आपको यहाँ पे याद रखना है एक्वा, वेल और स्किन। एक्वा ए फॉर अल्जीरिया, क्यू फॉर कतर, यू फॉर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और ए फॉर अंगोला। वेल वेनेजुएला, इक्वेडोर, ईरान एंड लीबिया। स्किन सऊदी अरेबिया, कुवैत, इराक, नाइजीरिया एंड गेबॉन। तो टोटल हुए आपके 14 कंट्रीज़ और इक्वेटोरियल गिनिया 2017 में ऐड हुआ था। ये 14 ओपेक कंट्रीज़ जो हैं ये वर्ल्ड की 43% जो ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन है उसको और 73% वर्ल्ड ऑयल रिज़र्व को ये लोग अकाउंट करते हैं। इसी वजह से ये इनके जो इस टाइप के प्रीमियम वगैरह हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो आज का लेक्चर बस इतना ही तक था। अगर आपको लेक्चर पसंद आया प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ डोंट यूज़ प्लास्टिक बैग्स। सोसाइटी को हमें ही क्लीन बनाना है, सोसाइटी में हम रहते हैं, क्लीन हमें ही बनाना होता है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग एंड इफ़ यू लाइक द सेशन प्लीज़ कमेंट इन द सेक्शन एंड इफ़ यू वॉन्ट टू गेट सम मोर वीडियोज़ रिगार्डिंग दैट। थैंक यू।